हेलो, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और आप देख रहे होंगे कि ये पॉलीथीन में पैक है। तो गाइस आप देखेंगे, सरप्राइज़ है आपके लिए, एक स्पेशल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है जो मैं बनाने जा रही हूँ गाइस, कटरुआ। तो कटरुआ आप गाइस देख सकते हैं कि जो कटरुआ होते हैं, सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये है कटरुआ। और कटरुआ आपने शायद ही नाम सुना हो, ये स्पेशल चीज़ है, ये एक फल है जो हर जगह नहीं मिलता है, ना ही ये कानपुर में मिलेगा, ना ही आपको ये और शहर में मिलेगा, बल्कि ये मिलेगा आपको पीलीभीत में। पीलीभीत आप जानते होंगे कि ये यूपी में ही पड़ता है और ये बीसलपुर के पास है। सो गाइस ये पीलीभीत में मिलता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। और इसकी कीमत आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो इसकी महंगी इसकी कीमत समथिंग 1100 रुपये किलो है। एक किलो में आपको 1100 का एक किलो मिलेगा। सो गाइस आप ज़्यादा बात ना करते हुए अब इसको धोने की ट्रिक बताएंगे कि इसको कैसे धोते हैं। तो गाइस ये जो है पटरुआ जो पाया जाता है, एक शाल का पेड़ होता है पोरो का, तो वहाँ उस पेड़ जब बरसात होती है तो बरसात में जब पानी बरसता है, बादल बरसते हैं, तो उस जहाज से एक पोरो के पेड़ के नीचे ये निकलता है कटरुआ। और इस तरीके से ये कटरुआ गोल होता है और इसके अंदर एक फल होता है गोल गोल, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये तो इतना फ़ायदेमंद होता है, ये बॉडी के बोन्स को बहुत मजबूत करता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनता है इंसान। जैसे हड्डियाँ चटकती हैं, चलने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप कटरुआ खाते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो वैसे देर न करते हुए इसको आप धोएंगे। आप देख सकते हैं कि चूँकि ये ज़मीन से निकलता है, ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ होता है और इसके वैसे ही निकलता है ज़मीन से पट के, तो ये मिट्टी में सना हुआ होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिट्टी होती है। तो अब इसको गैस धोएंगे। अब धोने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको बहुत ही 2-3 पानी से धोना पड़ता है और बल्कि इसको आटे से और नमक से धोना पड़ता है। चाहे तो आप ज़मीन में घिट के धो सकते हैं या एक डालिया ले लें, डालिया में रख के भी आप इसको धो सकते हैं। चलिए मैं धोना बताती हूँ किस तरीके से धोते हैं कटरुआ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कटरुआ कैसे बनाते हैं। तो कटरुआ तो मैंने रख लिया है, तो एक डोलची ले लेंगे और डोलची में डाल देंगे ये सारे कटरुआ। अब इसको धोएंगे, धोने के लिए पानी चला लेंगे, इसको इस तरीके से धोएंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी मिट्टी निकल रही है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी निकल रही है। देखिए ये देखिए मिट्टी कितनी जबरदस्त मिट्टी है। तो अच्छे से धोएंगे, अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं धोएंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिट्टी होती है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा। तो गाइस इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं धो रही हूँ, ज़्यादा पानी में धुलेगा ये। और देख सकते कितना काला पानी हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, मैंने नमक लिया है और इसके ऊपर नमक डाल देंगे। इसमें 2 टीस्पून समथिंग आटा ऐड कर देंगे, सूखा आटा। अब इसको मिट्टी जो है इसमें निकल जाएगी और इसको इस तरीके से तब हल्के हाथों से करेंगे, क्योंकि कटरुआ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं कितना मुलायम है ये। आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद होकर निकल आया है और मिट्टी से आटे से क्या रहता है कि ये जो इसमें मिट्टी रहती है वो इसकी निकल जाती है। तो इस तरीके से अब इसको आटे में लगा लिया है, आटा और नमक, और दोनों हाथों से इस तरीके से करेंगे, इसकी मिट्टी भी साफ़ हो जाएगी और आप खा भी सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसको इस तरीके से हाथ से कर देंगे ताकि मिट्टी इसकी जो है वो निकल जाए। अब इसको धो लेंगे, तो कटरुआ को गाइस जिस तरीके से धोते हैं आप देख सकते हैं कि कटरुआ को किस तरीके से धोते हैं। गाइस अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने कटरुआ कभी खाए हैं तो कटरुआ नहीं खाए हैं तो ट्राई कीजिएगा एक बार खाने के लिए। अगर खाना हो तो वहीं से मंगाइएगा, पीलीभीत से गाइस। तो ये तो बहुत ही दूर से आए हैं कटरुआ, तो गाइस आप देख सकते हैं कटरुआ ये धुल के तैयार हो गए हैं, इस तरीके से मैंने धो लिए हैं। बहुत गजब की मिट्टी है अर्जुन, अर्जुन तो वैसे कटरुआ धुल के तैयार हो गए हैं।
बहुत ही ज़्यादा मट्टी है इसको धुलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा पानी से धुलते हैं ये। तो आज आप देख सकते हैं कि कितना पानी मैं बर्बाद कर रही हूँ। कटोरा गाइस मेरे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बहुत ही संभाल के बनाऊंगी ताकि इसमें मट्टी का बिल्कुल भी असर ना रहे। तो गाइस बहुत ही अच्छे से धुल चुके हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं। तो ये परफेक्ट होके तैयार हो गए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कितनी मुश्किल से ये कटरुआ धुले हैं। तो आप धुल के तैयार हो गए हैं और मट्टी भी इसकी मैंने सारी साफ कर ली है। तो थोड़े से वाइट भी रहते हैं, थोड़े से ब्लैक भी रहते हैं। तो वाइट वाले आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट हैं। अब मैं इसकी काटने की भी ट्रिक बताऊंगी किस तरीके से इसको ये काट के बनाते हैं। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, अभी आपको लगेगा कि हाँ कटरुआ इस तरीके से बनता है। तो देर ना करते हुए अब कटरुआ की कटिंग कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं, सो गाइस ये कटरुआ आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से धो लिया है। और ये कितनी मेहनत के बाद ये बनाए जाते हैं, आप कहेंगे कि हाँ कि कटरुआ किस तरीके से और कैसे बनते हैं। और अब इसको काटने के लिए मैं लूँगी चाकू। अब चाकू लेंगे और इसको एक साइड से कर देंगे और इसकी कटिंग करने के लिए इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में काटेंगे। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वाइट वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है। तो इसमें ये एक फल है ये गाइस, तो आप देख सकते हैं कि फल है और फल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। कितनी ताकत है इसमें तो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैं छोटे छोटे पीसों में काट लूँगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद मीन जैसा होता है मखाने की तरीके। ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है। तो ये ज़मीन से निकला हुआ एक फल है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। तो मिलते हैं गाइस सारे कटरुओं को काटने के बाद। इस तरीके से काट लेंगे और जो अंदर जो सफ़ेद जो फल जो निकलता है इसको फेंकेगा नहीं, बस ऑलरेडी मैंने पूरा अच्छे से धो लिया है। अब इसको धोना नहीं है, बस ऑलरेडी सब्जी बनानी है इसकी। तो सारे काटने के बाद मिलते हैं। सो गाइस कटरुआ की कटिंग कर ली है चाकू से, इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं। तो गाइस कटरुआ आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत से इसको धोया है, और धोने के बाद इसको आटे से धोया है, नमक से धोया है और बहुत ही ज़्यादा पानी से धोया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी बर्बाद किया था धोने में। और ये कटरुआ गाइस इतना महंगा है, जितना पानी लगता है ज़्यादा उतना ही ये महंगा भी है। गाइस ये 1100 रुपये किलो है और बहुत ही दूर से ये आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कटरुआ मैंने कहाँ से मंगाया है, पीलीभीत से मंगाया है। गाइस मेरे भाई हैं वहाँ पर, तो भाई ने मेरे सोचा कि कटरुआ बहुत ही ज़्यादा या तो मिलता नहीं है गाइस कानपुर में, कानपुर में तो कहाँ मिलेगा ये, और ये कानपुर का तो है ही नहीं, ये कानपुर में आप कहीं भी ढूंढेंगे तो मिलेगा ही नहीं। तो ये मैंने मेरे भाई ने मुझको भेजा है, भाई ने कटरुआ भेजे हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि एक बार मैं गई थी बागेश्वर बाबा अपने भाई के साथ, तो भाई उन्होंने वही वाले भाई ने भेजे हैं मुझको कटरुआ। अब मैं बनाऊंगी, देर ना करते हुए गाइस फटाफट में बनाऊंगी कटरुआ। कटरुआ किस तरीके से बनाते हैं आप पूरी रेसिपी देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कटरुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होते हैं। और इसको बनाने के लिए भी गाइस बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आप मिस नहीं कीजिएगा रेसिपी। चलते हैं किस तरीके से बनाते हैं कटरुआ। तो इतनी तो प्रोसेस हो गया है इसको धोने के बाद, इसको कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस की तरफ चलने से पहले उसकी तैयारी करेंगे। तो गैस इसमें पड़ता है प्याज लहसुन, प्याज लहसुन की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो चलिए मैं प्याज लहसुन का इंतजाम करती हूँ और लेके आ रही हूँ और काटेंगे प्याज लहसुन। सो गैस कटोरा में डालने के लिए मैंने लिए हैं 5 काठी प्याज की और 1 काठी लहसुन की। तो इसको गैस छील लेंगे, छीलने के बाद धो लेंगे और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने 1 काठी लहसुन की और 5 काठी प्याज की मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, अब बनाएंगे चटपटे मसालेदार कटरुआ। गैस ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे आयरन की कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब लेंगे कड़वा तेल जो मैंने चमचा ले लिया है और इसमें डालेंगे 2 चमचा भर के समथिंग ऑयल। इसको गर्म करेंगे। तो गाइस मैंने 2 चमचे भर भर के डाले हैं। तो गाइस ऑयल गर्म हो चुका है, अब जो मैंने ग्राइंड करके रखा था प्याज लहसुन का पेस्ट वो इसमें ऐड कर देंगे और धीरे धीरे ही करके डालना है।
सो गाइस प्याज लहसुन की पेस्ट को इसने तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, इसको गुलाबी होने तक का इंतजार करेंगे और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ताकि तेल की छाड़ जो है ऊपर तक ना जाए। तो नमक की क्वांटिटी गाइस ठीक परफेक्ट रखिएगा, तो इसमें नमक स्वाद अनुसार ही लेंगे। अब इसको भून लेंगे, मिलते हैं गुलाबी होने के बाद। गाइस टाइम बहुत ज़्यादा लेगा ये प्याज, गैस को वाइट फ्लेम पर रखेंगे। जब तक गाइस प्याज इसको भून रहे हैं, इसको गुलाबी होने तक का इंतजार कर रहे हैं, तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। मिक्सर लेंगे और मिक्सर में डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर रही हूँ मैं। टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। अब इसमें डाल देंगे पानी और मसाले को फूलने देंगे। तो ये मसाला जब तक ये फूलेगा तब तक प्याज भून जाएगा। अब इसको रख देते हैं भीगने के लिए। तो गाइस मसाला भीग चुका है काफ़ी देर से, और प्याज भी आप देख सकते हैं कि जब प्याज अच्छे से भुन जाता है तो ये तेल छोड़ देता है। तो ये तेल देख सकते हैं कि इसने तेल छोड़ दिए हैं और ये प्याज भुन चुका है, गुलाबी हो गया है समथिंग। और जब अच्छे से गुलाबी हो जाएगा तभी मसाला डालना है, इससे पहले नहीं। जो मैंने मसाला भिगो के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है और ये गुलाबी हो गया है। अब इसको चलाएंगे, अब जो कटोरा जो मैंने बना के रखे थे कटिंग करके, तो वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे। कटोरा को भी 8 मिनट तक इसको भूनेंगे। 10 मिनट हो चुका है, अब इसमें 2 गिलास समथिंग पानी डाल देंगे। तो आपको इसे चावल से भी बहुत अच्छा लगता है, अगर क्वांटिटी पानी की अपने हिसाब से रख सकते हैं, 2 से 3 गिलास तक डाल सकते हैं। कभी मैंने 2 गिलास पानी डाला है, इतना मिक्सी के जार में आता है। अब इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे, 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया। अब इसको गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको ढक देंगे, अपने खोल आने का इंतजार करेंगे। तो गाइस 10 मिनट हो चुका है और इसको मैंने ढक दिया था कटरुआ को, अब खोल के देखेंगे कि कैसे बने हैं। तो गाइस परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं, और रस अभी मैं समथिंग 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था और इस तरीके से गाढ़ा हो गया है। अब ये बन के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गरम मसाले से। सो गाइस इसमें धनिया हरी मिर्च नहीं पड़ता है, और अगर आप इसमें धनिया डालेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये कटरुआ है, इसी तरीके से बनता है, चटपटा मसालेदार बन के तैयार हो गया है। अब इसको सर्व कर लेते हैं और गैस को ऑफ कर देंगे। सो गाइस कटरुआ की सब्जी चटपटी मसालेदार बनकर तैयार हो गई है, और इस तरीके से आप कटरुआ की सब्जी बना सकते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और कम्युनिटी ऑप्शन में नया चैनल है जो मैं शॉर्ट की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाइएगा कटरुआ। आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, ताकतवर बनाएगा गाइस, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर प्रोटीन वगैरह इसमें होता है। और इस तरीके से आप बना सकते हैं कटरुआ, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको आप चावल से खाइएगा, चाहे तो रोटी से खाइएगा। ऐसे पराठा से तो नहीं अच्छा लगता है, ना ही पूड़ी से अच्छा लगता है, चावल से और रोटी से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपने कभी सुना हो ये कटरुआ कैसा होता है, कहाँ मिलता है? अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप इस तरीके से कटरुआ मंगा कर और खा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और खाइएगा चटपटी मसालेदार कटरुआ। न्यू रेसिपी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।